अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे कीमा मटर आलू। ये बहुत बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स खाने में। तो उसके लिए लिया है हमने 500 ग्राम कीमा, इसको एक प्याज डालकर हमने धो लिया है। 300 ग्राम आलू, 200 ग्राम मटर, इसको भी हमने धो कर रखा है। मटर आलू हमने फ्रेश मटर लिया, आप फ्रोज़न भी ले सकते हो। आलू का इस तरह से हमने कट किया, एक बड़ी प्याज ली इसको इस तरह से कट किया, दो टमाटर ले लिए इसको इस तरह से कट किया, एक बाउल हरा धनिया, दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, चार हरी मिर्च ली हमने, एक चम्मच ज़ीरा, दो दालचीनी के टुकड़े हैं, एक स्टार फूल, दो लौंगे और चार पाँच काली मिर्चें, एक चम्मच हल्दी पाउडर और ये तेल लेने वाला चम्मच है हमारा, इससे हम चार चम्मच फुल भर कर तेल लेंगे। मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। इसके ऊपर हमने कुकर रख दिया है, कुकर में तीन चम्मच तेल और ये चार चम्मच तेल को हमने डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, प्याज डालेंगे, दो तीन मिनट प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए दो तीन मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अभी हम इसके अंदर जीरा, दालचीनी, स्टार फूल, काली मिर्च, लौंगे वो डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे दो मिनट। देखिए दो मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसको भी दो तीन मिनट फ्राई कर लेंगे। देखिए अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, आप देख सकते हो। अभी हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। देखिए डाल दिया हमने कीमा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और कीमा गोश हम हमेशा प्याज डालकर ही धोते हैं ताकि उसकी जो भी सांदी स्मेल होती है ना वो निकल जाती है उससे। तो आप भी ट्राई करके देखिए, इस तरह से धोकर देखिए, स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती उसके अंदर, पूरी स्मेल चली जाती है उसकी। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी अच्छे से हमको मसाला भूनना है। पाँच छः मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए पाँच छः मिनट हमने अच्छे से भून लिया मसाले को, मिर्ची का कच्चापन जाने तक। अभी नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, टमाटर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक चार पाँच मिनट इसको वापस से भूनेंगे हम। देखिए चार पाँच मिनट हमने इसको भून लिया है, टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं किया है, ये कीमे का ही पानी रिलीज हुआ है। अभी हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। देखिए इसका ढक्कन बंद कर दिया हमने, दो सीटी ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए कुकर को हमने दूसरे गैस पर शिफ्ट किया है, तब तक हम आलू फ्राई कर लेंगे। तेल हमने रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इस तरह अच्छे से आलू को फ्राई कर लेते हैं। ये चार पाँच मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, आप देख सकते हो। अभी हम इसको निकाल देंगे। देखिए कुकर की भी हमारी दो सीटी हो चुकी है मीडियम फ्लेम पर, और
बहुत अच्छे से कीमा हमारा टेंडर हो चुका है। अभी हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। देखिए कुकर का ढक्कन हमने बंद कर दिया है। अभी हम एक सीटी ले लेंगे ताकि हमारे मटर अच्छे से टेंडर हो जाए। ये कुकर में हमारी एक सीटी आ चुकी है। इसकी स्टीम भी हमने रिलीज होने दी है। इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो मटर हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। देखिए गैस हमने चालू किया, स्लो फ्लेम पे रखा है हमने गैस को। अभी हम इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे। हरी मिर्च को हमने बीच में से चीरा लगा दिया है। इसके अंदर बहुत खूबसूरत दिखती है इस तरह से। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है, कीमे का ही पानी है तो हमको इसी तरह का चाहिए। आप इस वक्त पानी डाल सकते हो आपको चाहिए तो, और नमक वगैरह भी चेक कर सकते हो। ये जो आलू हमने फ्राई किए थे ये डाल देंगे। मटर डाले थे हम तब भी इसके अंदर आलू डाल सकते थे, वो गल जाते थे, लेकिन इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिएगा। फ्राई करके डालोगे तो बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये आलू मटर कीमा। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप भी फॉलो कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मटर आलू कीमा कैसा बना था। तो इस तरह से आलू का टेस्ट दुगना हो जाता है फ्राई करके डालोगे तो। अभी हम 2-3 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। देखिए 2-3 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकने दिया है। अभी हमने गैस बंद कर दिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है हमारा मटर कीमा आलू। आलू भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से टेंडर हुए। देखिए तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है ये। अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है कीमा मटर आलू। ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। हमने इसको चपाती के साथ में सर्व किया है, तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप भी फॉलो कीजिए। हमने कीमा और मटर की रेसिपी हमारे चैनल पे अपलोड की है, वो आप सभी को बहुत पसंद आई, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारे रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।